ज्ञान आत्मा का सर्वस्व है, सब कुछ। जैसे शरीर में श्वास होता है प्राण सर्वाधिक, श्वास प्रश्वास की ही महिमा है। वह चला जाए तो देह जैसे निष्प्राण लतक विहीन हो जाता है। इस तरह आत्मा में ज्ञान का सर्वाधिक महत्व। ज्ञान का उदय होता है तो वह विकार को ध्वस्त करता हुआ, उसका नाश करता हुआ प्रकट होता है। विकार के नाश का नाम अथवा स्वभाव की अभिव्यक्ति प्रगटता का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम निर्जरा है। वह निर्जरा ज्ञान की सामर्थ्य से होती। सामर्थ्य ज्ञान की कैसी है? ज्ञानी कैसे ही संयोगों में रहे, कैसा भी उसका आचरण देखा जाए, लेकिन फिर भी वह उस आचरण के साथ एकाकार नहीं होता। संयोग देखे जाए, संयोगों का आदान प्रदान देखा जाए, संयोगों का भोग देखा जाए, फिर भी ज्ञानी को ये कला है कि वह उस भोग के साथ एकमेक नहीं होता। वो कहता है एक शिक्षा किसी का है अपने आप। जिस प्रकार कोई विष वैद्य दूसरों के मरण के कारण भी विष को भोगता हुआ भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से नहीं मरता, उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों का सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय, उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता। कोई विश्व वैद्यमन विष के स्वरूप को जानने वाला और विष को शोध कर सेवन करने वाला, विष का शोधन करके उसका सेवन करने वाला, उसकी औषधियां होती है ना, उनका शोधन किया जाता है। वैद्य उसका शोधन कर, जिसको मालूम है उसका शोधन किस प्रकार से होता है, और जो नासमझ होते हैं वे विष को ज्यों का त्यों खा जाते हैं। बाजार से लाए और जहर खा लिया तो मृत्यु होती है, और जो विष वैद्य है वो उसका शोधन करके खाता है। उसके पास उसके शोधन की कला है, विद्या है, सामर्थ्य है, तो वह मरता नहीं पर जीवन को प्राप्त होता है। पॉइजन लिखा रहता है दवाइयों पर, डॉक्टरी दवाइयां आती है, नहीं लिखा रहता पॉइजन। पॉइजन है तो खाते तो हैं लोग, पीते तो हैं, उसको क्या है, वो शुद्ध किया हुआ जहर होता है। तो जिस प्रकार कोई विष वैद्य दूसरों के मरण के कारण विष को भोगता हुआ भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से नहीं मरता। पांच खा जाते हैं लोग और मरते नहीं हैं, ये सामर्थ्य है कि नहीं है ना? सामर्थ्य अंगारों पर चलते हैं और पैर जलते नहीं है, तो कोई बात है ना? किसी औषधि का प्रयोग करते हैं तो अंगारों पर चलते हुए भी जलते नहीं, और उसके प्रयोग के बिना अंगारों पर कोई चल दे तो, अथवा वही चल दे
जिसने उसका उपयोग नहीं किया वही अगर चल दे तो मर जाएगा। ज्ञानी के पास क्या है? अनेक प्रकार का उदय, घातिया और अघातिया दोनों प्रकार का उदय, किंचित रागद्वेष परिणाम भी होते हैं। उन रागादि को भी भोग लेता है और अघातिया के उदय में उत्पन्न होने वाले जो संयोग वे साता के हों अथवा वे असाता के हों, किसी भी प्रकार के संयोग हों, पर ज्ञानी को उनके भोग की सामर्थ्य है। क्या है सामर्थ्य? संयोग तो इनका हुआ है क्योंकि परिस्थिति मेरी ऐसी है। मनुष्य पर्याय हो तो मनुष्य पर्याय के योग्य जो संयोग हैं जो सभी मनुष्यों को हो जाते हैं, और उन संयोगों के समय होने वाले भाव वे भी अनिवार्य रूप से होते होंगे ना। जैसे कोई गृहस्थ है तो उसके यहाँ कोई अतिथि और कोई मेहमान आए तो आएगा। अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो मेहमान नहीं आएगा, वो भी किसी माँ के पेट से पैदा हुआ है ना। माँ के पेट से पैदा होने पर भी क्या अकेला है? उसके माँ भी है, फिर उसकी माँ का परिवार भी है, फिर उसके पिता का परिवार भी है, ये सब है नहीं? वे घर पर आएंगे या नहीं? आएंगे। फिर उनका सम्मान होगा या नहीं? ये सारा होगा ना, सब कुछ होगा नहीं होगा, उस योग के परिणाम भी होंगे। ये पर्याय के योग भी जितना संयोग वियोग है वो सब होता है, ये तो एक बात। उसके साथ वे भाव भी होते हैं संयोगों के साथ। और निर्लिप्त रहने की बात क्या है? क्या कला है निर्लिप्त रहने की? ज्ञानी तो ये जानता है कि मेरी सत्ता इनसे बिल्कुल भिन्न प्रकार की निराली है। मैं तो चैतन्य हूँ, शुद्ध, अकेला, एकाकी। और ये जो कि संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग के साथ जो भाव होते हैं, इनके ग्रहण के, त्याग के, भोग के, वे सबके सब मेरी सत्ता से भिन्न प्रकार के, निराले प्रकार के भाव हैं, और ये मेरे भोग्य नहीं हैं। मैं इनका भोग करने लायक नहीं हूँ, ऐसा जानता है। इस तरह उनके होने पर भी उनसे निर्लिप्त रहने की कला ज्ञानी को मालूम है, इसलिए बंध की संतति नहीं बढ़ती। वहीं वो प्रकरण पैदा हुआ और वो वहीं समाप्त हो गया। ऐसा क्या? जैसे एक तो निजी व्यवसाय होता है अपना बिजनेस, और एक होती है सर्विस। तो किसी विभाग का अधिकारी होता है ना, ऑफिसर, तो दिन भर काम करता है और शाम को काम समाप्त हुआ और ताला लगवा कर घर आ जाता है, इसके बाद आराम से सोता है, कोई दिक्कत होती है? और वहाँ से ट्रांसफर हो जाए तो आराम से चला जाता है। तो पीछे से इस ऑफिस का क्या होगा इसकी, उसको कोई तकलीफ नहीं, चला जाता है, कोई बात तो नहीं, कोई लेकर तो नहीं सोता सिरहाने। और जो व्यवसाय करता है वो तो लाखों रुपए का लाभ और हानि सिरहाने लेकर कल 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 उसका कल कभी ख़त्म नहीं होता। और इसका जैसे कोई कल ही नहीं है, इसका तो आज ही है, तो आज वो चला गया समाप्त। इस तरह प्रतिदिन निर्लिप्त रहता हुआ जीवन बिता लेता है। यहाँ भी क्या होता है कि जो जो प्रकरण इस समय जो पैदा हुआ, बस वो इस समय चला गया, ये वर्तमान का प्रकरण किसी आगे से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए निर्जरित हो रहा प्रति समय। और जो अज्ञानी है उसको तो ये वर्तमान प्रकरण अनंत काल के लिए जुड़ा हुआ है। क्या होगा मेरा ये जीवन, कैसे बीतेगा, फिर आगे क्या होगा, इस तरह इस वर्तमान को उसने अनंत भविष्य के साथ जोड़ रखा है, इसलिए अनंत चिंताओं का भार वर्तमान में ही है। भविष्य तो नहीं आया अभी, वो तो बाद में आएगा,
लेकिन भविष्य की अनंत चिंताओं और विकल्पों का भार वर्तमान परिणाम में लेकर चलता है। ऐसा अनंतान मंदी राग द्वेष और मिथ्या दर्शन, ये तो है अज्ञानी की दशा। और ज्ञानी को क्या है, जैसे वो दीपक की बत्ती जल रही है तो जल ही रही है प्रति समय, उसमें बढ़ने का कोई प्रकरण नहीं है। जितना तेल है और जितनी बत्ती है, तो ये प्रति समय जल रहा है और इसका क्षय होता जा रहा है। अब उसमें तेल डालते जाओ, बत्ती डालते जाओ तो फिर अनंत हो जाएगा, लेकिन बस इतना ही है कि हर समय बीतता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। क्योंकि ज्ञानी ने सिर्फ एक अपनी सत्ता के साथ तो संबंध जोड़ा है और शेष से संबंध तोड़ लिया है। तोड़ लिया है तो भी वे हैं, हैं लेकिन वे नहीं हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि भीतर से उनके साथ कोई संबंध अनुभव नहीं करता। इसलिए कोई भी प्रकरण आता है, कोई भी भाव आता है और वो भाव चला जाता है। तो जैसे कोई विश्वैज्ञ दूसरों के मरण के कारण भूत विष को भोगता हुआ भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से नहीं मरता, जहर खा लेता है। कुचला लोग खाते हैं, शोध कर खाते हैं ना, कुचला कुचला विष है एकदम, ऐसे कैसे खा जाए तो मर जाए आदमी, और उसका शोधन करके खाते हैं दूध वगैरह में तो और शक्ति होती है। तो किसी को मरना ही हो तो वो सीधी लाकर खाता है, और किसी को जीवन लेना हो तो वो उसको शोध कर खाता है। ये अज्ञानी तो यों का यों खाता है, और जो ज्ञानी है वो उन भावों को शोध कर खाता है, इसलिए उसके संयोग में उसको हानि नहीं होती पर निर्जरा मन शुद्धि की वृद्धि ही होती। तो विष की शक्ति रुक गई होने से नहीं मरता, उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों का सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय, उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय उसको भोगता हुआ भी उसको भोगता हुआ तो देखा जाता है, लेकिन भोगते हुए भी उससे न्यारा रहता है, अलग रहता है, क्योंकि दोनों में से अपने आप को क्या मानता है, या तो अपने आप को उस उदय और उदय जैसी सामग्री वाला माने, अथवा उससे भिन्न सिर्फ एक चैतन्य हूँ ऐसा माने। दोनों में से केवल एक ही अपने को मान सकता है, दो तो अपने को नहीं मान सकता। ये क्या मानता है कि जिसने अपने चैतन्य का, अपनी स्वरूप सत्ता का दर्शन किया, उसने उस अनुभव में ये पाया कि मेरे आत्मा जैसा जगत में कोई पदार्थ नहीं, ये मेरी सत्ता सदी से निराली है, स्वयं मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भावों जैसा भी मेरा चैतन्य तत्व नहीं है, इनसे भी अन्य प्रकार का है। तो मैं तो चैतन्य हूँ ऐसा जिसने जाना, उसने अपने आप को उन सारे भावों से अलग जान लिया। तो जो अपने को जिससे अलग जानता है वह उसके होने पर भी उसका भोग नहीं करता, अलग जानता है तो क्या करता है, अलग है, मेरा नहीं है, मेरा इस पर अधिकार नहीं है, ऐसा जो जानता है तो वह पर वस्तु का भोग होने पर भी करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि उसके साथ एकत्व नहीं है। एक तो अपनी वस्तु का उपयोग करे और एक पर वस्तु का उपयोग करे तो फर्क नहीं है, बात में फर्क है ना, उससे अलग रहकर उसका उपयोग करता है तो जैसे वह उसका भोग करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। किसी की अमानत हो अपने पास तो वस्तु कहीं से लाएं काम चलाने के लिए, उसका उपयोग भी करते लेकिन उसके उपयोग में हम उससे दूर कितने रहते, उपयोग करते हुए भी चित्त उससे इतना दूर है कि इस वस्तु को कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा रहता ना भीतर से उसके प्रति ममत्व शून्य रहकर उसका उपयोग किया करते। तो भोग करते हुए भी जैसे उसका भोग नहीं होता,
ऐसी कैसी स्थिति ज्ञानी की है, उसके संबंध में भाव हों अपने, उसको सुरक्षित रखने के भाव हों, उन भावों से भी न्यारे। इस सुरक्षित रखने का भाव भी उस वस्तु से संबंधित है, उस वस्तु का है, ये भी अपना नहीं, क्योंकि वो वस्तु गई और वो भाव ही उसके साथ चला जाए। ऐसी कला नहीं है, वस्तु से भी अलग, उसके संबंध में होने वाले अपने भीतर के भाव से भी अलग। ये अलग रहने वाला कोई अलग हुआ नहीं, ये कोई अलग चीज हुई नहीं, और उसी में उत्पन्न होने वाले भाव, उनसे भी अलग रहने वाली चीज कोई अलग हुई, अलग वो है अपनी सत्ता। सत्ता और उस सत्ता को संभाल कर बैठे रहने वाला ज्ञान, सद्धान और चरित्र, ये अपनी सत्ता है। ज्ञानी सदा वहाँ रहता है, उस सत्ता में रहता है। बाकी सारे भाव जैसे ऊपर ही ऊपर तैरते सब कुछ, इस तरह प्रति समय एक जज जैसे फैसले करता है, सारा स्थापित करता है, सुनता है, फाइलें लिखता है, फैसले लिखता है, सजा देता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये सब कुछ होते हुए भी वो उससे अलग रहता है और उस भाव से अलग रहता है और भाव के भीतर रहता है। किसी के विरुद्ध फैसला दिया, ये फैसला किसने दिया? जज ने। ये भाव किसके भीतर पैदा हुआ, तो इसका संबंध किससे, इस फैसले का संबंध जज से है? हार जज की होती है, जीत जज की होती है। अपने भीतर उत्पन्न होने वाला ये भाव, इससे भी वो न्यारा रहता है। अब क्या होता है कि जितना भी ये कर रहा है, इससे उस जज की तरक्की होती है कि उसका पतन होता है? क्या होता है प्रति समय? तरक्की होती है। और कर क्या रहा है ये? किसी को फांसी दे रहा है, किसी को सजा दे रहा है, किसी को आजीवन कारावास, किसी को फांसी, और किसी को, और इसको क्या हो रहा है? तरक्की हो रही है। ये क्या विचित्र है जा? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सचमुच वह उस काम को करता हुआ भी नहीं करता, उस काम से उसका कोई संबंध नहीं है, उस कार्य के प्रति उसका कोई ममत्व नहीं है, इसलिए उसको करता हुआ देखा जाने पर भी सचमुच वह उसका अकर्ता है। अकर्ता है अर्थात दृष्टा है, दृष्टा है अर्थात ज्ञायक है। किसको कहते हैं ज्ञायक? करते हुए भी जो उसके साथ लिप्त ना हो, एकाकार ना हो, उसको कहते हैं ज्ञायक। ये कौन है ज्ञानी? ज्ञायक है। करता हुआ भी, रागादि भाव होते हुए भी, रागादि भावों के साथ अनेक प्रकार के संयोग होते हुए भी, ज्ञानी ने अपने सिर्फ चैतन्य को देखा है और उस चैतन्य में अपनी निष्ठा स्थापित की है, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा उस चैतन्य को दी है, सारा सम्यक दर्शन चैतन्य को सौंप दिया है, सारा सम्यक ज्ञान चैतन्य को सौंप दिया है, सारा सम्यक चारित्र चैतन्य को सौंप दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में चैतन्य के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है, सब इससे बाहर है। और ज्ञानी का कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, इसलिए दूसरा कोई कर्म के पास है नहीं, देखा जाता है लेकिन वास्तव में नहीं। इसलिए भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। ये सब कुछ करता हुआ दिखाई देने पर भी अथवा भोगता हुआ दिखाई देने पर भी वह तो अपने वेतन का भोगी है और किसी का भोग नहीं करता। ये सामर्थ्य है या नहीं? और एक दूसरा रिश्वतखोर हो तो उसकी देखो तो इसके यहाँ कैसे कैसे नाटक होते, वहाँ क्या होता है कि वह तो उस प्रकरण में फंस गया है, उसके साथ प्रतिबद्ध हो गया है, उसके साथ जुड़ गया है, इसलिए उसको तो तरक्की होगी, तरक्की नहीं होगी, हो जाए लोक में वो अलग बात। पर नीति की बात तो ऐसी है कि वह उत्कर्ष पाने लायक नहीं, क्योंकि वह जुड़ गया है किसी पक्ष से, और जो सच्चा है
वह किसी पक्ष से न जुड़ा हुआ होने के कारण वह किसी भी प्रकरण का कर्ता नहीं है, इसलिए वह बंध को प्राप्त नहीं होता। और जो प्रकरण से जुड़ जाए वो बंध को प्राप्त हो जाएगा, पता चल जाए तो, एंटी करप्शन को पता चल जाए तो चला जाएगा, कारावास हो जाएगा, बंध को प्राप्त हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? वैसे प्रकट रूप में तो दोनों ही इस प्रकरण का भोग करते हुए दिखाई देते हैं, दोनों के पास ही होती है ना दोनों तरह की फाइलें तो, लेकिन एक तो दोनों फाइलों से दूर है और एक दोनों में से किसी फाइल से प्रतिबद्ध है, जुड़ा हुआ है। तो ये उसके साथ जुड़ गया है तो भोक्ता हो गया, उसका भोक्ता हो गया, इसलिए बंध को प्राप्त हो जाएगा, कर्ता हो गया और भोक्ता हो गया। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि अनंत पदार्थों के बीच रहकर भी ज्ञान उन पदार्थों से न्यारा रहता है और उन पदार्थों के संबंध में होने वाले भावों से भी न्यारा रहता है। धाय न्यारी रहती है ना, धाय वो भीतर से प्रेम करती है बच्चे को, भीतर से प्रीति है, ये जो प्रीति है ये सबकी सब उस ममत्व से ऊपर ही ऊपर तैरती है, ठीक है, छल कपट तो नहीं है, चोटें भरती हो तो फिर भीतर बाहर क्या होता है? फिर बाहर तो छल कपट को कहते हैं, तो छल कपट है, छल कपट नहीं होने पर भी ये ऊपर ही ऊपर है ऐसा सब जानते हैं, ऊपर ही ऊपर। तो जितना कुछ वो प्रेम करती है भीतर, उसको प्रेम का स्नेह का भाव भी पैदा होता है ना बच्चे में, उस स्नेह के भाव के प्रति भी ममत्व नहीं, इसको अपने भीतर उत्पन्न होने वाला स्नेह का भाव, प्यार का भाव, उसके प्रति भी इसको ममत्व नहीं। ये ममत्व का जो धरातल है ये बहुत भीतर रहता है और बाकी सब इसके ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो भोग करते हुए भी, उससे प्रेम करते हुए भी, उसको स्नेह देते हुए भी, उसको दूध पिलाते हुए भी, सचमुच वो उन सारे भावों के प्रति निर्ममत्व है, अलग है, इसलिए भोगते हुए भी भोग नहीं होता। ये सामर्थ्य किसकी है? ज्ञान की। अज्ञानी को तो क्या है? रागादि भावों का सद्भाव है, रागादि भाव है अज्ञानी को, अज्ञानी को रागादि भाव नहीं है। जितना कुछ राग देखा जाता है वह भी ज्ञानी को पराया है और अज्ञानी को समस्त ही राग स्वयं का है, अपना है। वो राग के प्रति, रागादि भावों के प्रति अत्यंत ममत्वशील है, उन भावों के प्रति। जिसे पर वस्तु अच्छी लगती है, पर द्रव्य अच्छा लगता है, उसको पर द्रव्य का भाव कभी बुरा नहीं लगेगा, लगेगा शरीर ठीक लगता हो ना, अच्छा शरीर के प्रति होने वाला कोई भाव बुरा लगेगा? शरीर को सही रखने का, अच्छे भोजन का, अच्छी औषधि का ये भाव बुरा लगेगा? जिसको इसके प्रति ममत्व है, इसको जो आत्मा मानता हो, इसके प्रति होने वाले समस्त ही भावों के प्रति उसको ममत्व पड़ा है, तो वो रागादि के प्रति ममत्वशील। ज्ञानी को राग आया और वह उस पदार्थ के संबंध में था, इसलिए वो पदार्थ गया और वो राग भी उसके साथ चला गया। अज्ञानी को तो उस वस्तु के साथ ही ममत्व है, इसलिए उस वस्तु के संबंध में होने वाले समस्त ही भावों के प्रति अज्ञानी ममत्वशील है, इसलिए वह पर द्रव्य और पर भावों के साथ एकाकार रहता है। फल स्वरूप वह अनंत बंध करता है। क्यों करता है? क्योंकि पर द्रव्य और पर भावों के भोग का आत्मा को कोई अधिकार नहीं, उसको उनसे दूर रहना चाहिए। जिनसे दूर रहना चाहिए वह उनके नजदीक रहता है, वह उनके प्रति ममत्वशील रहता है, इसलिए वह बंध के योग्य है। दूर रहना चाहिए, जैसे बैंक का कैशियर है उसको कैश से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और कोई नजदीक रहता है तो ये नजदीक रहना, दूर रहना, ये बाहर की बात है, भीतर की बात, इसको कहते हैं तात्विक बात। जो उसके बीच में रहता हुआ, उसका आदान प्रदान करता हुआ, उसके लिए लड़ता झगड़ता हुआ, लड़ाई लड़ता हुआ, लड़ाई लड़ता है नहीं?
उसका जो वेद विज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा अनुभव करता है, तो उसको अध्यवसान का अभाव होने पर राग द्वेष मोह इन चार के रूप हैं, संक्षिप्त रूप। राग द्वेष मोह के कारण कहे नहीं चार प्रकार के विकार, तो ये कारण नहीं पर इनका अध्यवसान कारण। अध्यवसान मैंने इन रूप अपने आप को, आत्मा को मानना, ये अध्यवसान। मिथ्यात्व तो अध्यवसान है ही, अज्ञान भी अध्यवसान है ही, लेकिन अविरति और योग ये कोई अध्यवसान नहीं है। लेकिन इन रूप आत्मा को माने तो वो अध्यवसान वो हुआ, वो एकत्व। क्या मिथ्यात्व है उसमें तो अध्यवसान है ही, अज्ञान में तो अध्यवसान है ही, लेकिन अविरति और योग इसमें अध्यवसान नहीं है। कब होता अध्यवसान? इन रूप आत्मा को माने और जाने तो अध्यवसान हुआ, और उस अध्यवसान से राग द्वेष मोह रूप जो आश्रयों का संक्षेप है उसका जन्म होता है, और उससे फिर कर्म बंधता है। उसका नाम आश्रय भाव, राग द्वेष मोह। ज्ञानी को पहले बहुत बात आई ना आश्रय अधिकार में, आश्रय अधिकार में भी यही आया, आश्रय की बात करके यही कहा कि ज्ञानी को राग द्वेष मोह है नहीं, उसको आश्रय हुई, उसको तो आश्रय का अभाव है। सद्भाव किसको कहते हैं? आत्मा के साथ किसी चीज का सद्भाव क्या कहलाता है, कब कहलाता है? कि जब आत्मा अपने आप को उसमय अनुभव करे तो वह उस वाला है, और अपने आप को उस रूप अनुभव न करे तो भी उन भावों के रहते भी वह उन वाला नहीं है। तो ज्ञानी क्योंकि आत्मा को रागी द्वेषी मोही नहीं मानता, नहीं जानता, इसलिए ज्ञानी की पर्याय में राग द्वेष रहने पर मोह तो नहीं रहता है, मिथ्या स्वरूप को, पर राग द्वेष तो रहते हैं। लेकिन उसने राग द्वेष से रहित आत्मा का दर्शन किया है, इसलिए वह आत्मा को रागी द्वेषी मोही नहीं जानता, नहीं मानता, तो उसको राग द्वेष मोह है ही नहीं। कब होते हैं? कि जब उन रूप अपने को माने, उनका स्वामित्व स्वीकार करे, तब तो वह उन रूप है, उन वाला है, तो भी नहीं हुआ, पर मानता है इसमें है बात, तो भी नहीं हुआ। वो मानता है तो भी नहीं हुआ, लेकिन मानता है तो एक रूप में वो उनमय है। लेकिन जब मानना छोड़ दिया, कब छोड़ा? तो जब इनसे रहित वर्तमान में उस शुद्ध चैतन्य का, राग द्वेष मोह रहित चैतन्य का दर्शन किया, अनुभव किया, उसका प्रत्यक्ष किया, उसका स्वर संवेदन किया, उसके संवेदन में अतीन्द्रिय असाधारण अपूर्व आनंद का अनुभव किया, तब ये जाना कि राग द्वेष मोह मैं नहीं हूँ, तब भेद विज्ञान का जन्म हुआ। इसको कहा भेद विज्ञान, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व और राग द्वेष मोह मैं नहीं। जब तक ज्ञान नए के इन दो पक्षों पर परिभ्रमण करता रहे तब तक अनुभूति नहीं होती, वो भी भेद विज्ञान का एक रूप कहलाता, वो भी व्यवहार भेद विज्ञान, जो सचमुच भेद विज्ञान से पहले प्रवर्तित होता है। श्रुत ज्ञान का व्यवहार, व्यवहार श्रुत ज्ञान कौन सा? जिसने ये जाना, जिस क्षोभसम में ये जाना गया कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है, उसी क्षोभसम में ये जाना गया कि आत्मा राग द्वेष मोह रूप नहीं है। इस तरह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, राग द्वेष मोह रूप नहीं हूँ, ये दो नए की कक्षा जब तक चलती है तब तक भी अज्ञान है। जब दो नए की कक्षा का अतिक्रमण करके केवल एक कक्षा की अनुभूति हो चैतन्य की, तब सच्चा भेद विज्ञान पैदा हुआ। श्रुत ज्ञान की उस पर्याय को, अनुभव दशा को भेद विज्ञान कहते हैं। क्या हुआ भेद विज्ञान का कार्य? कि जो दो पहलू हैं आत्मा के, केवल उन पर ही विचार करते रहना, ये श्रुत ज्ञान का काम नहीं।
लेकिन आत्मा का एक पहलू तो निकम्मा है, किसी मतलब का नहीं। पैदा तो हो गया भूल चूक से, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। तो यह जानकर कि वह किसी काम का नहीं है, जो काम का तत्व है स्वतः ज्ञान उसमें लग जाए, तब हुआ भेद विज्ञान। और दोनों के विकल्पों में, दोनों के विचारों में केवल चंचलता का अनुभव करता रहे, तरंगित रहे, हिलोरे लेता रहे, तो वो भेद विज्ञान नहीं हुआ भी। इसलिए जो सच अनुभूति है वह वास्तविक भेद विज्ञान है। उसमें राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है, मोह का तो संपूर्ण अभाव हो जाता है। और जो अनंत शक्ति में राग द्वेष होते हैं उनका भी अभाव हो जाता है। जो बचते हैं वे ऐसे बचते हैं कि जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, ऐसे बचते बचते तो हैं राग द्वेष। कैसे बचते हैं? रीढ़ टूट जाए ना, रीढ़ समाप्त हो जाए तो फिर कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता है। जो सर्प है और उसकी ऐसा भी अपना नहीं। इसलिए जितना कुछ प्रकरण पैदा होता है, चाहे हर्ष का हो, विषाद का हो, दुख का हो, सुख का हो, जितना कुछ प्रकरण हो, उस सारे प्रकरण से वह निर्ममत्व होने के कारण दूर है। और वो जानता है कि सारा प्रकरण बैंक का है, 5 बजे और छुट्टी, फिर कोई दुख दर्द साथ लेकर नहीं जाए। ऐसी स्थिति रहती है। ये कला काय की है? ज्ञान की। वहाँ तो है ज्ञान की कला, और यहाँ तो अज्ञान छाया रहता है सारा। लोक की ज्ञान की कला इतनी कि जितने कुछ पदार्थ हैं जगत के, वे सबके सब आत्मा के लिए दूर रहने योग्य हैं। उन संबंधी भाव भी आत्मा के लिए सदैव दूर रहने लायक हैं। और ये क्या करता है कि कुछ पदार्थ अपने और कुछ पदार्थ पराए, और इस तरह दो भाग करके अपने आप को समझदार और ज्ञानी मानता, बुद्धिमान, नैतिक, सदाचारी। आचार्य इसकी उस नैतिकता और उस सदाचार में दुराचार प्रकाशित करते हैं। तो कितना दुराचारी है वो हम जानते, ये दुराचार बताते हैं आचार्य। जो पदार्थ तेरे वास्तव में नहीं है, उनमें से कुछ पदार्थों को तो तूने अपना माना है, और उन पदार्थों के संबंध में होने वाले भावों के साथ तू हर समय एकाकार है। ये पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका रक्षक हूँ, मैं इनको संभाल कर रखता हूँ, मुझे रखना चाहिए, इनका मेरे जीवन से संबंध है, इनसे मेरे जीवन का संचालन होता है। एक तो ये वर्ग बना लिया। दूसरा वर्ग कौन सा? ये सबके सब एक गली के जितने दूसरे घर हैं, ये सब पराए हैं, इनका परिवार पराया है, इनका पैसा पराया है, इनका सब कुछ पराया है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो मतलब सिर्फ इतने से है। तो ये तेरा दुराचार है और कहलाता है लोक में भी सदाचारी और नैतिक कहलाता है। बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम एकदम बहुत अच्छी साफ नियत वाला है। जब आचार्य ने क्या कहा कि तेरी नियत का पर्दा हम खोलते हैं, अणुमात्र भी तेरे छूने लायक नहीं है, और तू तो पर्वतों के साथ ममत्व करके बैठा है, इसलिए तू वास्तव में दुराचारी है, सदाचारी नहीं। कहां तक चलता है ये अनाचार? द्रव्यलिंगी मुनि तक चलता है ये अनाचार, वहां तक भी। तो वहां भी ये मैं करता हूं, मैं बचाता हूँ, ये जीवों को मुझे बचाना चाहिए, जीवों की रक्षा मुझे करना चाहिए, मुझे शुद्ध भोजन करना ये मेरा धर्म है। कहाँ तक चला अनाचार? अनाचारी है सदाचारी? कहने में जीव लड़खड़ाए। अच्छा, इस मूलगुण का भाव, महावता जी का भाव, सम्यक दर्शन के अभाव में
क्या है, लोक के प्रति सदाचार और आत्मा के प्रति अनाचार है। अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का भाव होने से, कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से, कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से कर्म का जो उदय है उसका अनुशीलन नहीं करता है, कर्मोदय के साथ एकाकार नहीं होता है। कर्म के उदय जैसा परिणमन देखा जाता है लेकिन फिर भी उसके साथ निर्ममत्व है। लाचारी हो जीवन में तो सर्विस करनी पड़े ना, सर्विस करने पर सर्विस के योग्य जितना काम है वो सब होगा, वो होना एक बात और उसके प्रति निर्ममत्व रहना ये बिल्कुल दूसरी बात है। इस तरह कर्म के उदय में अनेक पदार्थों का भोग, आदान प्रदान, संयोग वियोग और उसके साथ सुख और दुख, ये सब ज्ञानी को भी देखा जाता है, पर ज्ञानी इन सब के प्रति निर्ममत्व रहना जानता है, अज्ञानी को निर्ममत्व रहने की कला मालूम नहीं। अब भावार्थ, जैसे वैद्य मंत्र तंत्र औषधि इत्यादि अपनी विद्या की सामर्थ्य से विष की घातक शक्ति का अभाव कर देता है जिससे विष के खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता, जैसे वैद्य कोई औषधि वाला हो, कोई मंत्र वाला हो, कोई तंत्र वाला हो, कैसा ही हो, किसी भी प्रकार का प्रयोग करे उस विष पर तो उससे उसकी घातक शक्ति का अभाव हो जाता है, शक्ति हो जाती है। जब विष का शोधन करते हैं तो उसकी शक्ति, घातक शक्ति का शक्ति तो बढ़ती है असल में उसकी, लेकिन घातक शक्ति कम होती जाती है। भोपाल में किया ना भी उस गैस का, भोपाल की जो गैस थी ना, उस गैस की जो घातक शक्ति है उसको खत्म कर रहे हैं ना अभी, उसमें कोई दूसरी चीज छोड़ रहे हैं तो उससे वो शक्ति उसकी मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी जैसी बात है, यहाँ कौन सी शक्ति है, ज्ञानी के पास ज्ञान, ज्ञान है वो उदय की घातक शक्ति को समाप्त कर देता है, निष्प्राण कर देता है, उसको शक्तिहीन कर देता है। जैसे जहर की दाढ़े निकालने पर जो सर्प है वह इसमें जोर नहीं रहता, जोर नहीं रहता, बाहर से ऐसा दिखाई दे लेकिन वास्तव में शक्ति का अभाव हो जाता है। इसी तरह ममत्व का विनाश हो जाने पर जितना भी उदय है उसकी शक्ति घातक नहीं होती, यानी उसका भोग सचमुच नहीं करता है, उसे अलग रहकर उसका भोग कर लेता, अलग रहकर भोग कर लेता है। ये सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, वे अलग रहकर आहार कर लेते हैं, वे अलग रहकर विहार कर लेते हैं, वे अलग रहकर बोल लेते हैं, वे अलग रहकर चल लेते हैं, अलग रहकर। और अज्ञानी क्या करता है, ये मैं ही चलता हूँ, मैं ही बोलता हूँ। ज्ञानी मुनिराज क्या कहते हैं कि न हम चलते हैं, न हम बोलते हैं, न हम खाते हैं और न हम पीते हैं, हम मुनि भी नहीं हैं। अपने आप को मुनि माने से सम्यक दर्शन हो, क्या माने, क्या माने, मुनित्व रह जाता है क्या, मुनित्व रहने लायक चीज है, मुनित्व का तो अभाव होता है। सम्यक दृष्टि मुनिराज हो तो अपने आप को मुनि नहीं मानते, क्या मानते हैं, सदा रहने वाला, ज्यों का त्यों रहने वाला चैतन्य हूं मैं, सिद्ध भी नहीं मानते अपने, अरंत भी अपने आप को अरंत नहीं मानते, भगवान सिद्ध अपने आप को सिद्ध नहीं मानते, मुनिराज अपने आप को मुनि नहीं मानते, और गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने आप को गृहस्थ नहीं मानते। मानेगा तो ये मानना बदलता चला जाएगा,
गृहस्थ से मुनि हो जाएगा तो मैं गृहस्थ नहीं, यूं बोलने लगेगा। तो पहले क्या कहता था, हम तो गृहस्थ ही, मुनित्व का अभाव हो जाएगा, अरंत हो जाएगा, तब क्या कहेगा, हम मुनि नहीं हैं। तुम नहीं है, नहीं है तो फिर कहाँ गए तुम, क्या हुआ तुम्हारा, अभाव हो गया। जिसका अभाव होता है उसके प्रति ममत्व नहीं किया जा सकता, उसके प्रति ममत्व करना मूर्खता है, उस ममत्व का नाम मिथ्या दर्शन है ना। सिद्ध भगवान को कभी भी सिद्ध दशा के प्रति ममत्व नहीं होता, ममत्व हो जाए तो क्या हो, रखते हैं बहुत जल्दी ले आते हो आप तो नीचे बहुत जल्दी आ गया, और नहीं होता। अवस्था के प्रति, पर्याय के प्रति ममत्व करने लायक नहीं हुआ करता है। ज्ञानी को इस बात की समझ होती है, इसलिए वह पर्याय मात्र के प्रति निर्ममत्व होता है और द्रव्य के प्रति पूर्ण ममत्वशील होता है, क्योंकि वो सदा रहता है। सदा रहने वाली चीज वो सदा सुखद होती है, जिसका हर समय अभाव होता है वो हर समय दुखद होता है। लोक में कष्ट क्यों होता है, तो क्षण भंगुर के साथ हम ममत्व कर बैठते हैं, जानते भी हैं कि ये जाएगी जाएगी, लेकिन किसी प्रयत्न से रह जाए, ये नियत होती है हमारी, और वो नियत कभी साकार तो होती नहीं, क्योंकि जो निश्चित रूप में अनित्य ही है और बदलने वाली है तो वो कभी रह नहीं सकती है, और हम उसको स्थायी बनाने की चेष्टा करते हैं। शरीर से लगाकर जगत के जितने पदार्थ हैं उनको स्थायी बनाने की हमारी चेष्टा है, और वे स्थायी आज तक हुए हैं, और हमारी चेष्टा क्या है, यही है। शरीर के जाने का क्षण आ जाए वहां तक भी मन क्या रहता है, भले अभी तो नहीं कहते, 100 वर्ष का हो ना, 100 वर्ष, 100 वर्ष किसी भी पूछे तो भले बाहर से बोल दे पर भीतर से नहीं बोले, बाहर से बोल दे कोई, हाँ अब तो थक गया मैं, अब तो भगवान उठा ले, अब तो ऐसा कर दे वो कर दे, भीतर से इसी तरह हर पदार्थ जगत का, जिन देह और देह से संबंधित जितने पदार्थ हैं उन सबके प्रति प्रचंड ममत्व रहता है। ये कोई न जाए, परिवार में कोई न मरे, कैसा ज्यों का त्यों रहे, बल्कि बढ़ता जाए, घटे नहीं, ये नहीं है मनसा जीव की। तो अनित्य के साथ जो ममत्वशील है वह एक क्षण के लिए भी आराम नहीं पा सकता, और जिसने ध्रुव में अपना ममत्व स्थापित किया उस पर कोई संकट ला नहीं सकता, उसको कभी कष्ट हो नहीं सकता, अकुलता हो नहीं सकता। बस ये दो बात है, ये हार्द जैन दर्शन का, अपना ममत्व ध्रुवता को दो और अनित्य से अपना ममत्व उठा लो, समेट लो, ये मूल मूल मर्म जैन धर्म का है, और कहीं किसी के पास नहीं, केवल दिगंबर धर्म के पास है, अन्यत्र नहीं। ये ज्ञानी यही करता है, इसने ध्रुव को अपना ममत्व दिया है, अपना ज्ञान भी इसने ध्रुव को दिया है, ज्ञान भी ये अनुभव करता है कि मैं तो अमर हूँ, श्रद्धा भी ये प्रतीति करती है कि मैं तो अमर हूँ, और चारित्र भी उस अमरता में ही क्रीड़ा करता है, तब इसको किस बात का दुख कष्ट नहीं होता है। सबसे पहले अध्यात्म के ये रहस्य जानने लायक होते हैं, और बाकी सब व्यर्थ है इसके सामने, यह नहीं जाना गया तो बाकी सब एक के बिना शून्य जैसे हैं। एक को हटा ले और शून्य ही शून्य लगावे तो कीमत कितनी है, और एक शून्य के साथ एक रख दे
कितना गुना हो जाता है, हो जाता है। फिर इसके बाद एक न बढ़ाए शून्य बढ़ाए तो गुणाकार बढ़ता जाएगा। शून्य की कितनी कीमत एक के साथ होती है, एक हो उसके आगे एक शून्य लगावे तो शून्य की कीमत कितनी बड़ी, बहुत। एक शून्य और लगावे तो इतनी बड़ी कीमत उस शून्य की जो एक के साथ नहीं थी उसकी। तो वह ज्ञान और चारित्र जो श्रद्धा के सम्यक दर्शन के बिना है, जहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है तो इनकी कीमत बहुत बढ़ जाती। सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और सारा आचरण सम्यक चारित्र हो जाता है, मुक्ति के साधक हो जाते हैं, सच्चा मोक्ष मार्ग हो जाता है। इतनी ताकत इतनी चीज़ें।